सीरियल ये है मोहब्बतें अपनी शुरुआत में टीआरपी चार्ट पे नंबर वन पर था और अब शगुन के ड्रामे ने लगता है ऑडियंस को कुछ ज्यादा ही बोर कर दिया है और इसीलिए ये शो टीआरपी चार्ट में काफी नीचे चला गया है। ऐसे में मेकर्स पूरी कोशिश में लगे हैं कि कैसे भी करके इस शो के ऑडियंस को जोड़े रखें। और ये बात तो सभी जानते हैं कि ऑडियंस इस शो में सिर्फ और सिर्फ इशिता और रमन का रोमांस देखना चाहती है। जी हाँ, ऑडियंस फिर से इशिता और रमन की प्यार भरी नोकझोंक देखने के लिए है बेकरार। तो अब आप सभी का इंतजार खत्म हुआ और एक बार फिर आप इशिता और रमन को एक दूसरे के नजदीक और नजदीक आते देखेंगे। अभी हाल ही में रमन ने इशिता के लिए एक रोमांटिक डिनर डेट प्लान किया था जहां दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए थे कि तभी रमन के फोन पर एक लड़की का कॉल आता है। ये लड़की रमन को जानबूझकर परेशान करती है और कई बार उसे कॉल करती है। हम आपको बता दें कि ये फोन शगुन ने करवाया था क्योंकि वो चाहती थी इस रोमांटिक डिनर डेट को खराब करना, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है। इशिता रमन के बिहेवियर से काफी नाराज हो जाएंगी और रमन उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में इशिता मान तो जाएंगी पर वो रमन के सामने एक शर्त रखती है कि वो उनके साथ बीट पे बूटी सॉन्ग पर डांस करें। अब भला रमन मियां अपने प्यार की बात कैसे टाल सकते हैं और इस तरह शुरू होगा रमन और इशिता का रोमांस। इस सीरियल से जुड़ी और सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस।